देखिए जो आज का हेल्थ बुलेटिन है वो लिख रहा है कि आईसीयू में नेताजी हैं, वो ये लिख रहा है कि जीवन रक्षक दवाओं पर नेताजी चल रहे हैं, साथ ही वो ये भी लिख रहा है कि उनकी स्थिति क्रिटिकल है यानी गंभीर है। ऐसे में कल के हेल्थ बुलेटिन और आज के हेल्थ बुलेटिन में कोई अंतर नहीं है, यानी यथा स्थिति बनी हुई है नेताजी का जो पूरा स्वास्थ्य है। लेकिन अभी अखिलेश यादव से जब हमारी बात हुई और जो घर के परिवार के अन्य सदस्य प्रोफेसर रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव से बात हुई, उस वक्त वो लोग आश्वस्त थे, जैसा कि डॉक्टर्स की टीम ने उन्हें बताया था। निकलकर अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं को बता रहे थे, पूर्व और वर्तमान विधायकों और सांसदों को इस बात को बता रहे थे, पूर्व मंत्रियों को बता रहे थे कि नेताजी का स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक हो रहा है, सुधर रहा है। ऐसे में ये जो हेल्थ का बुलेटिन आया है वो एक झकझोर देने वाली खबर है, क्योंकि यथा स्थिति मुलायम सिंह यादव की बनी हुई है। ऐसे में ये चिंताजनक है और जो हमारे आसपास खड़े हुए ये जो नेताजी के समर्थक हैं उनके चेहरे पर एक उदासी का भाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य को लेकर कार्यकर्ताओं के अंदर एक दुविधा, एक भाव, एक संशय की स्थिति है, क्योंकि ये मजबूर हैं, अंदर जाने की स्थिति इनके लिए नहीं है। ऐसे में अखिलेश यादव या परिवार का कोई व्यक्ति, धर्मेंद्र यादव जो लगातार इस पूरे मामले को देख रहे हैं, वो निकलकर कुछ कहते हैं तो पूरी भीड़ लग जाती है, कार्यकर्ता उन्हें घेर लेते हैं। अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव या परिवार के अन्य नेताओं का, जो पार्टी के हाईकमान कहे जाते हैं, उनका ये दायित्व तो भी बनता है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में कोई उहापोह, संशय, संदेह और पैनिक की स्थिति न हो। इसीलिए ट्विटर हैंडल से लगातार इस बात की अपील और निकलकर अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये अपील कि सभी लोग अपने घरों में बने रहें, गुड़गांव आने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी पार्टी कार्यालय, अपने मंदिर, मस्जिद और मजारों पर जाएं, अरदास करें, गुहार लगाएं और विनती करें, प्रार्थना करें भगवान से कि मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र ठीक हो सकें, बाहर निकल सकें गुरुग्राम मेदांता से। ये अपील एक पार्टी के मुखिया के तौर पर अखिलेश यादव बार बार कर रहे हैं, परिवार के जो प्रमुख लोग हैं, चाहे प्रोफेसर साहब हों, चाहे शिवपाल यादव हों, वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि कार्यकर्ता दूर दूर से आए हैं, उनकी स्थिति ऐसी नहीं है। वो ये जानना चाहते हैं, हम लोग तो इस बात के लिए सहूलियत रखते हैं कि डॉक्टर नरेश त्रेहन से बात कर लें, डॉक्टर्स की टीम के साथ जाकर देख लें मुलायम सिंह यादव को, लेकिन ये जो कार्यकर्ता हैं जो दूर से आए हैं, कोई यूपी भवन में रुका हुआ है, कहीं कोई गुरुग्राम के होटल के सामने, ये हॉस्पिटल के सामने फ्लैट्स के अंदर रह रहा है, कोई होटल लेके रह रहा है, कोई बहुत सामर्थ्यवान नहीं है तो अपने सड़कों पर सो रहा है, ऐसे भी बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं। ये जो हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ है वो बहुत ही एक तरीके से झकझोर देने वाली खबर है, झकझोर देने वाली खबर और दुख भरी खबर इस लिहाज से है कि क्रिटिकल स्थिति अभी भी, हेल्थ बुलेटिन जो कल जारी हुआ था, जो आज जारी हुआ है उसमें विलंब हुआ है, विलंब के बावजूद भी जो बुलेटिन जारी हुआ है उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। आईसीयू में है, क्रिटिकल है, जीवन रक्षक दवाओं के सहारे मुलायम सिंह चल रहे हैं, ये बातें कल भी थी, ये बातें परसों भी थी, ये बातें नर्सों भी थी, ये बातें आज भी हैं, यानी कुल मिलाकर यथा स्थिति बनी हुई है। अखिलेश यादव लगातार अपील कर रहे हैं कि धैर्य रखें, दुआ करें, प्रार्थना करें, लेकिन सारा कुछ तो है ईश्वर के हाथ में है, प्रभु के हाथ और खुदा के हाथ में है, और कुल मिलाकर जो डॉक्टर हैं जिन्हें भगवान का स्वरूप कहा जाता है, ये पूरी टीम लगी हुई है, टीम लगी हुई है, जो लोग आपके आसपास खड़े हैं, जो उम्मीद कर रहे थे कि आज कम से कम कोई अच्छी खबर आए, क्योंकि दोपहर में जिस तरीके आपने बताया कि परिवार ये कह रहा था कि स्थिति बेहतर हो रही है, इस हेल्थ बुलेटिन के आने के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या हैं? जो लोग डटे हुए हैं 5 दिन से एक अच्छी खबर आने के इंतजार में, एक बढ़िया खबर आने के इंतजार में, तमाम लोग आपके साथ नजर आ रहे थे अभी। निश्चित रूप से मैं ज़रूर इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि जो हेल्थ बुलेटिन आया है उसमें यथा स्थिति बनी हुई है, क्रिटिकल स्थिति बनी हुई है, गंभीर स्थिति बनी हुई है, स्थिति में कोई सुधार नहीं है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिल करके आया हूँ, तो उन्होंने जो मुझे बताया है कि अभी स्थिति जो है पहले से कुछ सुधार है जी, क्योंकि BP भी अब उनका जो है वो नॉर्मल है, तो हमें लगता है कि सब लोगों की दुआएं जो हैं वो काम करेंगी। पूरे देश में जिस तरीके से अरदास, दुआएं हो रही हैं उनके लिए, निश्चित तौर पर नेताजी जो है काम करेंगी, तभी यथा स्थिति बनी हुई है। लेकिन क्रिटिकल हैं, गंभीर हैं, आईसीयू में हैं, नेताजी आप बताओ कि कहां से आए हो और क्या? अम्बेडकर नगर से आए, मेरा नाम हरिओम यादव है, 280 विधानसभा जलालपुर अम्बेडकर नगर से आया हूँ।
नेताजी की स्थिति परिस्थिति को सुन के मन बहुत दुखी है। ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे हैं नेताजी को जल्द से जल्द स्वस्थ करें, नेताजी जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच में आए। जो अभी बुलेटिन आया हेल्थ बुलेटिन, उसमें कोई स्थिति में सुधार नहीं दिख रहा, कोई सुधार नहीं दिख रहा है, यथा स्थिति बरकरार है। और उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके स्वास्थ्य ठीक होने के लिए हम लोग ईश्वर दुआ कर रहे हैं कि वो यहाँ से ठीक होकर जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश में आए, हम लोगों को मार्गदर्शन पुनः फिर करें। निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता हैं उनमें इस बात को लेकर तो है कि जो स्थिति है वो ठीक हो। भाई साहब ये बताओ कि वो तो स्थिति जो हेल्थ बुलेटिन कल था, परसों था, नरसों था, वैसे ही आज भी स्वस्थ हो जाएंगे जल्दी। पूरा ये उत्तर प्रदेश का पूरा भारती अच्छे होने की उनकी दुआ कर रहा है। दुआ तो कर रहा है जी, और सही भी हो जाएंगे वो। देखिए ये एक विश्वास है, एक भरोसा है, जो संघर्ष की यात्रा है मुलायम सिंह यादव की, उससे ये सभी साक्षी रहे, उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर चले हैं, इसलिए मुलायम सिंह की जीवटता को, मुलायम सिंह की संघर्ष को ये सारे लोग परिचित हैं, और इनके चेहरे पर किसी भी तरीके का कोई संशय, संदेह और पैनिक का भाव नहीं है। ये कह रहे हैं कि लड़ाका मुलायम सिंह यादव, संघर्ष करते हुए मेदांता गुरुग्राम से एक बार ज़रूर बाहर निकलेंगे, जैसे बार बार भर्ती होते हैं बाहर निकलते हैं, गुड़गांव से निकलकर दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ पहुंचते हैं, जनता के बीच पहुंचते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचते हैं, और समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से लेकर जो प्रदेश का कार्यालय है वहां बैठते हैं, लोगों से मुखातिब होते हैं, तो ये विश्वास तो है ना? बिल्कुल है। और नेताजी वैसे भी धरती पुत्र का नाम उन्हें जो है देश ने दिया है, तो ज़रूर मैं चाहता हूँ कि धरती माँ की दुआ उन पर बनी रहे और नेताजी ठीक हों, स्वस्थ हों, हम लोगों का मार्गदर्शन करें दोबारा पुनः आके उत्तर प्रदेश में। और यही हम लोगों की इच्छा, हम लोग बधाइयों से चल के यहाँ तक आए हैं, बस उनके सही होने की बस बिल्कुल सही होने की दुआएं। वीरेश जी बने रहिए हमारे साथ, आएंगे आपके पास, तो देखिए ये विश्वास है लोगों का कि वो एक बार फिर से आएंगे और दफ्तर में बैठेंगे, सबको मार्गदर्शन देंगे। फिलहाल आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।